ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। आज की जो डेट है वो है 21 जुलाई और टाइम हो रहा है 9:40। तो यहाँ पर जो है कल रिलायंस ऑलरेडी 8% डाउन था और आज हम देख सकते हैं कि निफ्टी भी इन्फी भी यहाँ पर 7-8% के बिटवीन में यहाँ पर हमको गैप डाउन देखने को मिल रहा है। तो इसी को रिएक्ट करते हुए यहाँ पर जो निफ्टी ने कल टोटल मूवमेंट किया था, जो अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर क्रिएट किया था, तो ऑल टाइम हाई से मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ है और यहाँ पर फिर से जो अपनी रेंज थी उसी रेंज में यहाँ पर वापस आ गया है। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर दिखाने का ट्राई करूँगा। ओके, तो देख सकते हैं मार्केट जो अपना चैनल को कंटिन्यू कर रहा था उसी चैनल में यहाँ पर गैप डाउन ओपन होके आ चुका है। तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली रेंज बना रहा था, सेकंड टेस्टिंग, थर्ड टेस्टिंग और ये फोर्थ टेस्टिंग में ब्रेकआउट किया। बट यहाँ पर जो है रिलायंस और इन्फी के इतने ख़राब परफॉर्मेंस के कारण यहाँ पर जो रिलायंस डायरेक्टली गैप डाउन देखने को मिला। तो यहाँ पर जितने भी बायर्स फंसे थे यहाँ पर सभी ने यहाँ पर एग्ज़िट किया है। अब यहाँ पर जब प्रीवियस डे के मोमेंटम का 50% से ज़्यादा डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ पर डेली में एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ कि सारे बायर्स ट्रैप हो चुके होते हैं। इस पर हमारा एक वीडियो भी है, तो मैं वो वीडियो भी शेयर करता हूँ, तो उसको देखकर इसको ट्रेड करने का ट्राई करना सीखिए। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर द लर्निंग पर्पस। ओके गाइज, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल ट्रेडर MP05 सोनू लोखंडे। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा, हाउ टू ट्रेड 50% ऑफ प्रीवियस डेली कैंडल। तो यहाँ पर जो है ये वाले वीडियो को 19-20 मिनट का वीडियो है, यहाँ पर पूरी साइकोलॉजी और मेथड यहाँ पर शेयर की हुई है कि किस तरह से जो प्रीवियस डे है उसका अगर 50% से ज़्यादा अगर गैप डाउन डायरेक्टली ओपन हो जाता है तो यहाँ पर, या गैप अप ओपन हो जाए इन केस ऑफ सेलिंग, तो उसको कैसे ट्रेड करना चाहिए। और इसमें एग्जांपल्स भी शेयर किए हुए हैं जो ऐसा होता रहता है मार्केट में, ये कोई नई चीज़ नहीं है, तो इसको देखिए और ट्रेड करने का ट्राई कीजिए। तो हम भी यहाँ पर आज के दिन जो निफ्टी को है उसी तरह से ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये सपोर्ट भी वीक हो जाता है, फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, ये फोर्थ टाइम सपोर्ट ले लेता है। तो मार्केट अपने चैनल को इधर साइड ब्रेक डाउन करेगा यहाँ पर, फिर भी हम प्राइस को यहाँ पर इम्पोर्टेंस देके ट्रेड को प्लान करेंगे। तो वेट करते हैं, देखते हैं जो भी ट्रेड होगा मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 1:11 और यहाँ पर हम एक साइकोलॉजी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि ये निफ्टी का पुट का चार्ट है और हमने बोला था कि जो निफ्टी है यहाँ पर 50% से ज़्यादा मार्केट गैप डाउन खुला तो यहाँ पर सेलिंग कैंडल का एक्सपेक्टेशन होता है। बट यहाँ पर एक साइकोलॉजी पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। आप ये मूवमेंट देखिए, सबसे पहले ये जो पुट ऑप्शन है कंटिन्यूसली सेलिंग ट्रेंड में है। अब आप उन सेलर्स के बारे में सोचिए जो कल यहाँ पर इस ऑप्शन को सेल करके गए थे, यहाँ पर इस प्राइस के आसपास जो ऑप्शन को सेल करके गए थे, तो यहाँ से कंटिन्यूसली वो अपने एग्जिट के लिए प्लान कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर थे जिनका SL, उनका SL यहाँ पर गया, उनने बुकिंग की, यहाँ पर था मार्केट ने उनका SL लिया, जो यहाँ शॉर्ट किए होंगे वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुए, और जो यहाँ पर एंट्री किए होंगे उनका भी SL गया। तो मार्केट में यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो कंटिन्यूसली यहाँ पर फर्स्ट पुल बैक में बाइंग हुई है इस ऑप्शन की। तो यहाँ से नेचर ऑफ प्राइस अपना बेसिक नेचर मेंटेन करते हुए प्राइस यहाँ से एक रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, इसीलिए यहाँ पर फर्दर कोई पोजिशन को क्रिएट नहीं किया गया है। यहाँ पर कंटिन्यूसली सेल होने के बाद अगेन बाइंग कंटिन्यू होगी। यहाँ पर अगर देखें तो हमने रिलायंस को सेल किया था, और दूसरा अगर हम देखें एक मिनट। ओके गाइज, यहाँ पर लॉगिन करना होगा तो हमारा 1000 के नियर बाय प्रॉफिट है। यहाँ पर पोजीशंस को शेयर किया जाएगा,
ओके गाइस, टाइम हो रहा है 1:26 और यहाँ पर पोजीशंस देख सकते हैं। तो हमारी कुछ पोजीशंस यहाँ हैं और कुछ पोजीशंस यहाँ पर रिलायंस में ट्रेड किया गया था, स्मॉल क्वांटिटी में किया गया था। तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, हमने साइकोलॉजी एक्सप्लेन की। मेनली जो लाइव रिकॉर्ड यहाँ पर शूट करने का ये सेंस है कि यहाँ पर हम साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था, वहाँ पर थोड़ा सा वॉइस में डिस्टरबेंस था। तो यहाँ पर अगर दिखाएं तो आप इनको सोचिए, थोड़ा सा खुद सोचिए अपने आप को इस सिचुएशन में रख के, कि अगर आप ऐसे सेलर होते जो ये पुट ऑप्शन सेल में चल रहा है, लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन करते हुए सेल में चल रहा है, तो यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट किया होता और मार्केट डायरेक्टली यहाँ ओपन होता तो आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर जब कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा है, यहाँ पर आपके SL हिट नहीं किया, फिर ये नीचे आया। बट यहाँ पर जो शॉर्ट करके गए थे उनने, जैसे यहाँ पर जो शॉर्ट करके गए थे उनने यहाँ SL रखा होगा, तो उनने यहाँ पर डायरेक्टली गैप अप, मतलब मार्केट जो गैप डाउन ओपन हुआ है और ऑप्शन गैप अप ओपन हुआ है, तो उनने बुकिंग की होगी। तो यहाँ पर जब अगेन ये प्राइस में ड्रॉप देखने को मिला तो अगेन यहाँ पर सेलर्स ने बुकिंग की होगी। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक वालों के मार्केट ने SL ले लिया। जैसे कि यहाँ जो शॉर्ट करा होगा और बैठा होगा कि अगर यहाँ पर SL आएगा तो मैं SL बुक कर लूँगा, तो यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ कंटिन्यूसली जा करके हाई यहाँ पर क्रॉस कर दिया, तो यहाँ वाले जितने सेलर थे मार्केट ने उनका SL ले लिया है जिनने पुट सेल किया था, और अब मार्केट यहाँ पर रिट्रेस कर रहा है। तो मार्केट कंटिन्यूसली बाय में गया, यहाँ पर फर्स्ट पुल बैक करेगा, इसके बाद जब कंटिन्यूएशन प्लान करेगा मार्केट बनेगा, तब यहाँ पर हम जो है यहाँ पर इसको एग्रेसिवली बाइंग का ट्रेड लेंगे। इसीलिए यहाँ पर ना ही हाई क्वांटिटी प्लान की गई और ना ही ज़्यादा देर तक बैठने का ट्रेड प्लान किया गया। तो इसीलिए यहाँ पर साइकोलॉजी एक्सप्लेन करने का ये मतलब है कि प्राइस एक्शन का नॉलेज सभी को होता है, अधिकतर लोगों को होता है, सभी का होता है, बट ट्रेड में सारी चीज़ें जानने के बाद साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो साइकोलॉजी ट्रेड में 90% होती है कि एक्चुअलिटी में हो क्या रहा होगा, कौन लॉस ले रहा होगा, तो फिर यहाँ पर हम प्रॉफिट को आसानी से गेन कर सकते हैं। तो देखते हैं, अभी 1:30 है मार्केट में, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 घंटे ही बचे हैं, 4 घंटे निकल चुके हैं। तो वेट करेंगे, देखते हैं और कोई ट्रेड बना तो ट्रेड करेंगे, और रेगुलर वीडियोज़ में प्लान कर रहा हूँ। थोड़ा सा अभी बैचेस चल रहे हैं इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो अगर आप भी प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी देखते हैं मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, उसके बाद यहाँ पर हम अगेन आएंगे। ओके गाइस, यहाँ पर निफ्टी में फिर से एंट्रीज़ क्रिएट हुई है, तो यहाँ पर हमने एंट्रीज़ ली है। यहाँ पर जो है हमारा 19,750 के पुट में 100 शेयर्स हैं, और 19,800 के पुट में यहाँ पर हमारे 50 शेयर्स हैं। देखते हैं जो भी प्रॉफिट लॉस होगा मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। ओके गाइस, ये निफ्टी 50 का 15 मिनट में चार्ट है। तो जैसा कि हम एक्सप्लेन कर रहे थे प्रीवियस ट्रेंड का, यहाँ पर 50% से ज़्यादा जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, जब 50% से ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ तभी यहाँ पर मार्केट नेगेटिव बन चुका था, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर सारे बायर्स ट्रैप हो चुके थे। मार्केट ओपन होके एक हाई लगाने के बाद कंटिन्यूसली सेल ऑफ होके आता है,
इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूस बाइंग के बाद यहाँ पर सेलर्स अगेन कंटिन्यू करते हैं, तो लोअर हाइज़ के कंफर्मेशन के बेसिस पर यहाँ पर हम ट्रेड में एंट्री ले चुके हैं। यहाँ पर हायर एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट फर्दर इन लोज़ को क्रॉस करेगा और जो डेली कैंडल है हमको नेगेटिव देखने को मिलेगी। हम ट्रेड ले चुके हैं और हमारा स्टॉप लॉस भी फिक्स है, तो प्रीवियस स्विंग हाई का हमारा SL है, तो यहाँ पर हम बैठेंगे। अगर स्टॉप लॉस होगा तो वो भी लेंगे और अगर प्रॉफिट्स होगा तो वो भी शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है 2:17, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, देख सकते हैं मार्केट कैसे लोअर हाइज का फॉर्मेशन करने के बाद कंटिन्यूएशन कर रहा है। यहाँ पर चार्ट जो है हम ज़ीरोधा का चार्ट यूज़ करते हैं चार्ट देखने के लिए, और जो ट्रेड है हम यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज़ में करते हैं बिकॉज ऑफ हमको यहाँ पर यूथ प्लान लिया हुआ है इसमें कोटक सिक्योरिटीज़ में, जिसमें ब्रोकरेज नहीं लगता है। ओके गाइस, यहाँ पर एक पॉइंट और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन का प्राइस चल रहा है उसके नीचे परसेंटेज ऑफ रिटर्न चल रहा है, तो यहाँ पर जब हमारा 101-102% था तब से चल रहा है, तो यहाँ पर 121% रिटर्न यहाँ पर ऐसा चल रहा है। आप खुद सोचिए, एज अ ऑप्शन बायर, एज अ ऑप्शन सेलर लोग 5% 10% का यहाँ पर रखते हैं एक्सपेक्टेशन। एज अ ऑप्शन बायर आपको बहुत पैसा मिलता है, बट आपको वहाँ पर और ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। तो एज अ ऑप्शन बायर हमको यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर भी करते हुए चलना चाहिए। तो वेट करेंगे, देखते हैं। अगर मैं निफ्टी का चार्ट लगा दूँ यहाँ, तो यहाँ पर परफेक्ट सेलिंग चल रही है अभी, कोई भी यहाँ पर वरीनेस की बात नहीं है। ओके गाइस, तो हमारा 3000 के अराउंड प्रॉफिट आ गया है, तो अब हम यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग प्लान करेंगे। बस मुझे एक अच्छा प्राइस मिल जाए तो मैं यहाँ पर एग्जिट करूँगा।
ओके गाइज, यहाँ पर एक लर्निंग पॉइंट भी सीखते चलेंगे। तो जो भी अगर हम लिमिट ऑर्डर डालते हैं पर यहाँ जो मार्केट प्राइस चलता है उसी पे वो बिकता है, तो यहाँ पर कोई ये एक लर्निंग पॉइंट है कि हमेशा लिमिट ऑर्डर पे बेचो तो मैक्सिमम प्राइस हमको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 100 रुपये भी डाल दूँगा तो ये जा कर के उसी प्राइस पे बिकेगा जिस पर ये था 123। तो यहाँ पर जो है मेरे लिए आज का ट्रेड मेरा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, बिकॉज ऑफ कि मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ, मैं टारगेट वाइज ट्रेड करता हूँ, तो मैं अपने डेली प्रॉफिट्स निकालने पर बिलीव करता हूँ, इसके अलावा कि मैं किसी ट्रेंड को कैप्चर करूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना जो आज का प्रॉफिट है मैंने यहाँ पर बुक किया। होप सो आपको साइकोलॉजी यहाँ पर समझने को मिली होगी कि किस तरह ट्रेड में सोचा जाता है। तो अगर आप भी यहाँ पर इटारसी में रहते हैं और ट्रेड करना सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे थंबनेल्स पे आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो मेरा क्लासेस का नाम है लोखंडे ट्रेडिंग क्लासेस LTC और मेरा नाम है सोनू लोखंडे या शुभम लोखंडे। तो देखते रहिए और सीखना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करिए। बाय टू एवरीवन, मिलते हैं अब। आज जैसे कि फ्राइडे है तो अब हम यहाँ पर मंडे को मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।